मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जालौन के कोशनगर पालिका द्वारा संचालित गौशाला एनजीटी टीम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसबीएस राठौर और भारत सरकार के पूर्व सचिव अनंत कुमार ने मंगलवार को निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था मिलने पर अधीनस्थों की फटकार लगाई, साथ ही व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं मृत गौवंशों के रिकॉर्ड न मिलने पर संबंधित डॉक्टर को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी। मंगलवार सुबह एनजीटी की टीम ने कोंच नगर पालिका द्वारा हाटा में संचालित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने गौशाला में चारा, पानी एवं अन्य सुविधाओं की जांच की, जो सही मिली। उधर कुछ गायों को टैग न लगे होने और मृत पशुओं का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने पर संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी के फटकार लगाते हुए चेतावनी दी। साथ ही निर्देश दिए कि सभी मृत गायों का रजिस्टर अनिवार्य रूप से बनाया जाए। इतना ही नहीं, गौवंश पर टैग भी लगा होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान भूसा, पानी की व्यवस्था को भी एनजीटी की टीम ने जांच की। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। वहीं गौशाला के अंदर पेड़ लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे गौवंशों को छाया मिल सके। इसी दौरान नगर पालिका कोंच के अधिशासी अधिकारी पवन कुमार मौर्य को निर्देश देते हुए कहा कि गौवंश को समय से चारे, पानी की व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस बीच बारिश का मौसम लगभग समाप्त हो गया है, जिसके कारण अब गौशालाओं में कीचड़ नहीं रहना चाहिए। जालौन मेट्रो संवाददाता रविकांत द्विवेदी की रिपोर्ट।